आपको युक्त पहले ये जो सारा मैंने सुबह जो आपको समझाया है, शिष्यों का एक समुदाय शिष्य अपने आप में इतने समर्पित हैं और खासतौर से तो आप सभी पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में पहले हुए शिष्यों ने जिस प्रकार से समर्पण भाव से कार्य किया है, जिस प्रकार से मेरे हाथ पांव आंख नाक कान प्राणों की दर्शन बने हैं, वास्तव में दीपावली की इसी संध्या काल में मैं हृदय से उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूं और जीवन में पूर्णता की कामना करता हूं। वर्षों से, एक दो वर्षों से नहीं, दस दस वर्षों से, पंद्रह पंद्रह वर्षों से जो शिष्य हैं 2400 घंटे काम करते हैं और उसके बावजूद भी उनके थकान महसूस नहीं होती और इतना नम्र विनीत और शिष्य स्वभाव से कार्य करते हैं कि वास्तव में आपके पास जो सामग्री, जो पत्रिका और जो ये सारी व्यवस्था दिखाई दे रही है, बस अब उन शिष्यों की शिष्यों की वजह से आज के दिन मैं अपने आदेश से, अपनी आत्मा से, संस्कारों से मैं उनको आशीर्वाद देता हुआ शिवात्मा को कहूंगा कि वे प्रत्येक को एक एक करके बुलाए और वे आपके सामने उपस्थित हों और आप तालियों से गिराज के साथ उनकी सेवाओं की सराहना करें। शिवात्मा में वे दिन रात 24 घंटों में कोई एक घंटे सो पाता है, कोई मुश्किल से दो घंटे सो पाता है, 12 महीने ऐसा चलता है, कोई इस अवसर पर ही नहीं, कितना अधिक कार्य वे करते हैं उसकी कोई तुलना नहीं है। मैं उन सबको यहाँ सामने बुला करके और श्रीवास्तव को जो अध्यक्ष हैं उनको बताऊंगा, कहूंगा कि वे एक एक बताएं और उनके सामने खड़े करें जिससे कि हम उनकी सराहना करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य और उनको पूर्ण आशीर्वाद दे सकूँ। इससे चौगने जोश के साथ में उनको और उनके माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चे मुझे सौंपे हैं और जिनको मैं तैयार कर रहा हूँ, वो अपने आप में इतने साधकत्व और इतने साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं कि कुछ ही महीनों में आप अनुभव कर सकेंगे कि वे साधक शिष्य ही नहीं, अपने आप में कितने तेजस्वी तारीख साधक बन रहे हैं, साधना सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, आप खुद अनुभव करेंगे। श्रीवास्तव माइक पर इन सब लोगों का नाम उच्चारण करेगा श्रीवास्तव। यह है नवयुवक बनारस में जोश कार्यालय के प्रधान और संजीव के साथ ही जो कार्यरत है यहाँ डॉक्टर संतोष कुमार। ये दीपावली का ग्रीटिंग कार्ड है जो यहाँ के सभी स्टाफ वालों ने भाई संतोष कुमार भरी प्रार्थना को प्रस्तुत किया है। दीपावली ग्रीटिंग का कार्ड डॉक्टर संतोष कुमार भले का इतना सुंदर लिविंग है और गुजरात में इलाज करते हुए ऐसा लगता है किसी को डॉक्टर दल से उनका और अब मैं बुला रहा हूँ श्री मयंक जोशी को, लगभग कुछ गुंडियों की दौर में है और मयंक जोशी जोधपुर के कंप्यूटर सेक्शन को संचालित कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं कई वर्षों से मयंक जोशी ने इसका संभाला है और उनके साथ ही जो कार्यरत हैं श्री चौहान करते हैं कई वर्षों से इन्हें उन्होंने के कार्य को अंजाम दिया है और अब मैं बुला रहा हूँ सुनील पाठक को। नहीं सर नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? ये नैनीताल जिले का यह है सरकार सुनील पाठक, ये बोलते हैं तो केवल कीर्तन की आवाज आती है दुर्गा कार्य की वजह से और गुजरात एक करते हैं कभी कर्तव्य का मनोरंजन ले
है इसको भी काम करता है। कई वर्षों से सेवा रत है और अब मैं बता रहा हूँ श्री रामचेत को जो 9-10 वर्षों से यहाँ के प्रेस को संभाले हुए हैं और प्रेस का काम करते होता है तो किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं और कई लोगों को हंसाते उत्साह देते हुए कार्य करते रहते हैं। श्री रामचेत इनका शरीर जितना सूक्ष्म है सेवा की भावना उतनी ही ज्यादा दृढ़ है। डॉक्टर मन से हम इसका दर्ज करेंगे भाई दिल्ली प्रशासन जिले का यह डेवलप कई वर्षों से इसी तरह कार्यरत है हम इसका अभिनंदन करते हैं। और अब मैं बता रहा हूँ श्री मोहन शर्मा को ये बहुत दुर्लभ पत्ते सज्जन है आपके साथ आ रहे हैं हमारे होशंगाबाद जिले की हरदा तहसील के रहने वाले हैं लेकिन यहाँ पर पकड़ के आए हैं भाई मोहन शर्मा इनकी वो सोचना देखकर के लोग उन्हें साई राव भी कहते हैं लेकिन बिजली से लेकर के डब्बा बनाने का काम हो या कोई भी कार्य हो दिन रात एक किए रहते हैं और सबको हंसाते रहते हैं। और अब मैं बुला रहा हूँ श्री महेंद्र को ये डिफेंस ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे और अभी भी वो गाड़ी लेके कहीं गए हैं और गुरुदेव के साथ जब आते हैं तो वो शब्दों से बात नहीं करते केवल आंसुओं से बात करते हैं कर्तव्य ढंग से और उनके लिए भी उनका अभिनंदन करना चाहिए। भाई इतना एक ही चिंता मेरी पति पत्नी का कि किसी तरह कुछ गुरुदेव की सेवा होती रहे बस यही एक बात चिंता मेरे करते हैं लोग। और अब मैं बुला रहा हूँ संजय को लेकिन यहाँ के लोग उसको अघोरी कहते थे मेरे पास अघोरी लिख दिया है संजय क्योंकि वो प्रसन्नतापूर्वक पूरे स्टाफ को आज कई वर्षों से जो सेवा कर रहा है ऋषेंद्र दो बार गुप्ता की बधाई पड़ेगी पूरा परिवार है कई तरह समझते हैं पूरी गुरुदेव की सेवा में ये उम्र जो कि खेलने कूदने की है लेकिन इतना तलील होगी झांसी जिले का बंगाल और ये कार्यालय में कार्यरत रहते हुए सब तो हंसाते रहते हैं जोश देते रहते हैं और काम करते रहते हैं बेटा कार्य उसकी कुशलता से करते हैं इसके लिए भी हम अभिनंदन करेंगे। कर्तव्य से बखूबी सुधार रहे हैं गुरुदेव की सेवा में रहते हुए कर्तव्य से डॉक्टर राजेंद्र का भी हम अभिनंदन करेंगे। एक उनकी नौकरी चाहिए उज्जवला लखन की कृपा भी संभव नहीं है इससे जोरदार तालियां बजाई जाए करता रहता है चाहे जितना कार्य ले लिया जाए हमेशा हमेशा कई वर्षों से हम इस नौकरियों और जवाब देने में इसमें कोई चिंता नहीं है हमेशा हंसाता रहेगा जवाब देता रहेगा कार्य करता रहेगा कराता रहेगा तब तक भर से भाई नील चंद्री से कार्यरत करते हैं 24 घंटे क्योंकि इच्छा हमेशा यही है कि जो भी कार्य किया जाए उनका काम करें हम कर्तव्य भर से बहुत गुरुदेव की और उन्होंने भी बहुत जल्दी इस कार्य को पिकअप किया सेवा को अंजाम दे रहे हैं इनका पूरा परिवार भी आया हुआ है कर्तव्य भर से भाई नंबर श्री राठौर की सेवा इनका भी हम कर्तव्य करेंगे। और अब मैं बता रहा हूँ दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश से आए इनके माँ बाप के त्याग के लिए और इस लड़के की सेवा भावना के लिए इनका भी अभिनंदन करते हैं। श्री कुमार पाल त्याग लेकिन होते हैं तो बहुत सारी याद आती है और हमेशा कार्य करता रहता है किसी कार्य को बजे ना करते हुए उस व्यक्ति को नहीं देखा हमेशा पूरा काम करते रहते हैं चाहे जहाँ कार्य किया जाए जो भी कार्य में किया जाता है कार्यालय में बखूबी निभाते हैं। अनिल जायसवाल वाराणसी के क्षेत्र से यह लड़का आया है और गुजरात सेवा करते हुए सबका दिल जिसने जीत लिया इसका नाम अनिल है कर रहा हूँ कर्तव्य धन से इनका अभिनंदन करेंगे। इनके माँ बाप यहाँ पर आए हुए हैं इन्होंने भी कार्यालय में कार्यरत रहते हुए और सबका दिल जीत लिया है सेवा भावना से कर्तव्य धन से हम इनका अभिनंदन करेंगे। भाई आनंद करते हुए करना कभी भी इनके मुख में मान नहीं देखी कर्तव्य धन से भाई श्री शंकर की सेवा और इतना अच्छा कार्यालय को उन्होंने संभाला है कि निसंदेह वह प्रसन्नप्रिय है भाई ऋषिकेश के साथ का और वहाँ से आए हैं मनीष दिन रात सबके साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करते हैं और हर कार्य को हर प्रस्तुत करता है हंसते हुए कार्य का करना उसकी भी चिंता है और उसके कर्तव्य भविष्य हम अभिनंदन करेंगे। अब सेवा रत रहते हैं
भाई रविशंकर जी को आपने कर्तव्य भर से हम उनका आदर करेंगे। और एक दूसरे आनंद है जो धार जिले के गोटू बुला रहा हूँ और इनके माँ बाप भी यहाँ आए हुए हैं, उनकी जो यही तमन्ना है कि हमारा लड़का उन बुजुर्ग की शरण रहे और बुजुर्ग इसकी सेवा को स्वीकार करे। और पूरा पूरा जिसे स्टोर इसको कंठस्थ है आंसू बहाते हुए जिसे स्टोन का जब पाठ करते हैं वह दृश्य को भूल नहीं सकता। कर्तव्य भर से भाई शास्त्री जी का हम अभिनंदन करेंगे। शामिल हो गया और आज उन बुजुर्ग की आज्ञा से संपूर्ण भारत में भ्रमण करते हुए पत्रिकाओं के कार्य को शिक्षा के कार्य को देख रहा है। कर्तव्य लोगों ने राष्ट्र सिंह के नाम लिए हैं, ये केवल आपको दो शब्दों में या दो लाइनों में बता दिया गया है, मगर मेरे इनकी सेवाएं इनके कार्य इनके देवता हूं मैं आज से फिट कह जाता हूं। न इनमें दम्भ है न अहंकार है और 24 वर्ष कार्य करने की क्षमता है। एक बार 10 वर्षों में इनकी तरफ से मुझे भी तनाव या काम में भीड़ या काम में न्यूनता दिखाई नहीं दी। एक जैसा एक ही लोगों के परिवार में जैसे कार्य करते हैं ऐसा कार्य ये कर रहे हैं और इसके लिए मुझे गर्व है लड़कों पर। और मैं साधना के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। अगले 6 महीने में होली का अवसर पर आपको देखेंगे इनमें सभी के सभी अपने आप में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए आपको नजर आएंगे। ऐसा मैं आपको विश्वास कर रहा हूँ। बुद्धा सिंह ने कई लड़कों ने युवकों ने मुझे पत्र दिए हैं कि हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। उनमें से कई लोगों के